हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट का साइंस में आपका पहला चैप्टर, एयर अराउंड अस। हवा। हवा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या कभी हवा को देखा है? नहीं, हम कभी हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम फूंक मारते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, हमने अपनी स्पिनिंग व्हील को जो है वो घूमते हुए देखा है, पेड़ों को हिलते हुए देखा है, तो जिससे ये पता है कि हमको कि हवा होती है। अब आता है एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो हवा का एक ब्लैंकेट, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हवा का एक ब्लैंकेट, एक कंबल जो कि चारों तरफ से हमारी धरती को घेरे हुए है, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर कितने प्रकार के गैसेस से बना है? तो सबसे मेन जो हमारी गैसेस है, गैस है एटमॉस्फेयर की, वो है नाइट्रोजन, यानी कि 78% जो है उसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को जो है इस्तेमाल किया है, नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट इंसान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, जानवर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते और पेड़ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो नाइट्रोजन लेकिन पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, जिस तरह से हम प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। तो नाइट्रोजन के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइजोबियस बैक्टीरियम, जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल नाइट्रोजन में, जो कि प्लांट्स के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट गैस इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, हमको ये पता है। नो ऑक्सीजन नो लाइफ। अगर जीना है तो ऑक्सीजन होना चाहिए। ये बात महसूस किया होगा, अगर जरा ही देर के लिए हम अपनी नाक और मुंह को बंद कर लेते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, जिससे पता है चलता है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन का काम और क्या है? किसी भी आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसी लाख माचिस घिसे, लाख लाइटर जलाएं, लेकिन आग नहीं जलेगी। फॉर कंबशन ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। तो लाइफ सपोर्टिंग गैस इज ऑक्सीजन। अनदर गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ अर्थ, हमारी धरती को बहुत ठंडा नहीं होने देता, धरती के तापमान को बनाए रखता है। लेकिन जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा वातावरण में पॉल्यूशन होगा। इसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होना जरूरी है। और ये बैलेंस कहाँ से बनेगा? पेड़ पौधों के द्वारा। हम इंसान और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सो इफ यू वांट टू ब्रीथ, इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, यू मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में और क्या क्या होता है? डस्ट एंड स्मोक, यानी कि धूल के कण और धुआं, ये भी होता है। धुआं बहुत ही हानिकारक होता है, अगर हम सांस लेते हैं और उसके संग धुआं और डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। हमें छींक क्यों आती है? कभी इस बात पे गौर किया है? हमारे नाक के अंदर स्मॉल हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, इनसे जब हम सांस खींचते हैं अंदर, उसके द्वारा जो अब धूल के कण अंदर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो वो सांस हमारे बॉडी जो है उनको एक्सपेल करता है, बाहर की ओर फेंकता है छींक के द्वारा। लेकिन अगर ये डस्ट और स्मोक किसी कारण से हमारे किसी भी द्वारा अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर। पानी के कण भी होते हैं, पानी के कण भी एटमॉस्फेयर में होते हैं। वो कहाँ से जाते हैं? जो भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे झील, नदी, तालाब, समुद्र, उनका पानी जो इवेपोरेट होता है, वो पानी इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में जाता है। जैसे जैसे वाटर वेपर का जो कंडेंसेशन होता है, ठंडा होता है, वो वाटर वेपर अलग अलग फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में धरती पर वापस आता है, यानी कि बारिश, ओला, धुंध, पाला, फ्रॉस्ट वगैरह के रूप में धरती पर वापस आता है। तो ये डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। प्लीज रीड दिस चैप्टर, जरूर से रीड करना। बाय, टेक केयर।